देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते दिनों किन्नरों द्वारा अजयपाल ट्रांसजेंडर की पिटाई के मामले में पुलिस द्वारा किन्नरों के मुखिया रजनी रावत के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था और उस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए रजनी रावत के दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी को लेकर आज किन्नर समाज के लोगों ने देहरादून एसएसपी से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया। वहीं इस पर एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने कहा कि उन्हें बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है और लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो इसी को लेकर एसएसपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो तुरंत 100 नंबर पर डायल करें और थाने को सूचना दें। देखिए, उनका किन्नर समाज से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए थे जिनके द्वारा ये बताया गया था कि उनको जब वो बाहर भी निकल रहे हैं तो भी उनको थोड़ा सा जो है ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है और अन्य लोग आकर उनके साथ जो है मिसबिहेव कर रहे हैं। सो उनको यही बताया गया है कि अगर कभी भी इस तरीके का कोई घटना घटित होती है तो तुरंत 100 नंबर पर या थाने को सूचित करेंगे। और इसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि जो भी कार्य किया जाएगा वो लीगली लॉफुल तरीके से ही किया जाए। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।